देवरिया जनपद के रोडवेज परिसर में आज देवरिया सदर से बीजेपी विधायक सलभमणि त्रिपाठी ने दो नई बसों को रवाना किया। यह बसें बनारस और प्रयागराज जाएंगी। आपको बता दें, लंबे समय से बनारस और प्रयागराज के लिए देवरिया से सीधी बस सेवा नहीं थी। सदर विधायक के प्रयास से दो नई बसें रोडवेज को मिली हैं और आज विधिवत पूजा अर्चना कर बच्चों को सदर विधायक ने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया। देखिए, लगातार मेरा प्रयास है कि कोई भी बड़ा शहर देवरिया से कनेक्टिविटी के मामले में कमज़ोर न रहे। वहाँ पर आने जाने का साधन हो, वहाँ से लोग आना चाहें या देवरिया से वहाँ जाना चाहें तो उसकी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हों। इसी दिशा में पिछले दिनों लखनऊ के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई थी, जो एक्सप्रेस सेवा थी, अयोध्या होते हुए ले जाती थी। बहुत से लोग अयोध्या जाना चाहते थे देवरिया के। अब प्रयागराज और काशी को लेकर ये बहुत समय से बात उठ रही थी कि प्रयागराज और काशी के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है, लोगों को असुविधा होती है। वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत से छात्र जाते हैं। आज दो बसें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी के आशीर्वाद से हम सबने अनुरोध किया था, दो बसें मिली हैं जो हम लोगों ने जनता को समर्पित की है। आज बहुत शुभ दिन है, रामनवमी भी है, नवरात्र का समापन भी है। इस शुभ दिन में देवरिया की जनता को ये दो बसें हम सबने समर्पित की। धन्यवाद। देवरिया से ज्ञान नामी शाख रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर फिरोजाबाद से। बालाजी मंदिर धाम पर हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा कार्यक्रम। रामचरितमानस के बाल कांड का हुआ पाठ। SDM शिकोहाबत सहित विभाग के अधिकारियों सहित बड़ी तादाद में श्रद्धालु रहे मौजूद। बालाजी मंदिर के महंत बालाजी धाम के पुजारियों का रहा कार्यक्रम में सहयोग। केक काट कर मनाया गया बालाजी मंदिर धाम पर कौशल्यानंद श्री राम का जन्मोत्सव। मंदिर परिसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की रही भीड़। धाम पर सबसे पहले आज सभी भक्तों को राम जन्मोत्सव शुभ पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव एवं श्री बालाजी धाम में चल रहे 9 दिवसीय अनुष्ठान श्री दुर्गा मैया के उपलक्ष्य में आज सुबह प्रातः काल 8 बजे से लेकर 9 बजे तक भगवान श्री रामचंद्र जी का दुग्धाभिषेक किया गया। उन्हें दुग्ध इत्यादि से पंचामृत स्नान करके उनके पूजन, उन्हें वस्त्र इत्यादि धारण कर उनका पूजन किया गया। 9 बजे से 11 बजे तक उनका हवन, जो कार्यक्रम हर वर्ष की भांति होता है, बड़े विशाल रूप में यज्ञ होता है, उसका आयोजन किया गया। 12 से 1 बजे तक राम जन्मोत्सव, श्री राम जी का जो जन्म उत्सव है वो मनाया गया। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है और उनके शुभ जन्मदिन के शुभ पावन अवसर पर आज हवन, कीर्तन, प्रसाद इत्यादि वितरण का कार्यक्रम किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो सभी मंदिरों में बालकांड, रामचरितमानस इत्यादि का जो पाठ हो रहा है, उसी क्रम में आज श्री बालाजी धाम के अंदर राम दरबार में भी बालकांड का आयोजन किया, भजन संकीर्तन का आयोजन हुआ। सभी भक्तों को पुनः श्री राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बाबा। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। थाना नागपनी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब 2-3 युवकों ने एक फल विक्रेता को मारना पीटना शुरू कर दिया। मुकद्दस रमजान में रोजेदार किशोर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट में फल विक्रेता की मौत होने से इस इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया। जवान मौत होने से परिवार के लोग बेसुध होकर अस्पताल में गिर पड़े। थाना नागपनी के इलाके झारखंडी मंदिर के सामने PCO वाली गली निवासी नदीम का 17 वर्षीय बेटा समीर फलों का ठेला लगाता था। जुमे की नमाज के बाद दो युवक काशिफ और अरहम आए और समीर से ठेला हटाने को कहने लगे। समीर ने मना किया तो दोनों युवकों ने समीर को लात घूसों से पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि हमलावरों के चाचा भी वहां पहुंचे और समीर को बुरी तरह पीटने लगे। रोजेदार समीर के शरीर में गंभीर चोट लगी जिससे वह सड़क पर गिर गया। विवाद की सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और सड़क पर बेसुध पड़े समीर को जिला अस्पताल लाया गया। आपातकालीन कक्ष में तैनात डॉक्टर अरुण तोमर ने समीर को मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम लक्ष्मी है। जी, क्या हुआ है आज आपके बेटे के साथ? जी, मैं नमाज में था, मुझे तो ये पता चला कि मेरे बेटे को दो तीन जनों ने बहुत बुरी तरीके से मारा। वो एक मोहल्ले वाले लड़के हॉस्पिटल में लेकर आ गए उसे। फिर मैं थाने गया, थाने वालों ने पुलिस वालों को भेजा मेरे साथ यहाँ पे। मैंने आके देखा तो मेरा बेटा मारा हुआ था। आवाज की बजाय बहुत बुरी तरीके से मारा उसे। बहुत बुरी तरीके से काम करते थे वो।
फलों का ठेला लगाए हुए था वो। किस जगह पे? थाना नागपनी से आगे झारखंड के मंदिर से आगे। शादी शुदा था? गुवारा था? नहीं गुवारा था साहब। मुरादाबाद से रान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। नव दुर्गा के अवसर पर मां दुर्गा को प्रश्न करने को भक्तों ने की अनूठी पूजा। रात भर चला देवी का हवन और जागरण। सुबह भक्त ने अपने गाल में किया त्रिशूल पार, हाथ में उठाया खप्पर, हवन कुंड में माता के मठ में जाकर की परिक्रमा और टेका माथा। अजीबो गरीब पूजा देख कर ग्रामीण रहे दंग। इसे आस्था का है या अंधविश्वास, पर भक्त का देवी पर है अटूट विश्वास। फिरोजाबाद जनपद के एक गांव डांडिया मई की अनोखी पूजा। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। चैत नवरात्र के पावन मौके पर धर्मनगरी वृंदावन में चारों ओर देवी मां के गुणगान और धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्यक्रमों की श्रृंखला बनी हुई है। देवी मंदिरों और घरों में मां शक्ति के आठवें स्वरूप का पूजन अर्चन किया गया। वहीं सिद्धपीठ मां कात्यायनी देवी मंदिर में रात्रि को विशेष आरती संधि पूजा आरती का आयोजन किया गया। वहीं संपूर्ण मंदिर परिसर घंटे घड़ियाल एवं जयकारों से गुंजवान हो उठा। कहेंगी इस माता की आरती के लिए, कैसा जनसैलाब था आज मंदिर में? बहुत अच्छा था, हमारा मन मतलब खुश हो गया इस आरती को देख के। बहुत ही ज़्यादा मतलब हम बहुत खुश हुए आरती को मतलब पाके। थोड़ी सी अधिक भीड़ होती है, लेकिन इस आरती को करने के लिए बहुत बहुत दूर से इंसान आते हैं और सभी लोगों को आरती अच्छे से भी हो जाती है, लेकिन धक्के वगैरह भी लगते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, इस वजह से हर बार आते हैं। कात्यायनी मैया की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये संधि आरती का विशेष महत्व ऐसा है कि अष्टमी और नवमी का जो दोनों तिथियों का मिलन होता है, उनके बीच का जो 15 मिनट का मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में मैया का विशेष पूजन अर्चन होता है, विशेष आरती होती है, 108 बत्तियों से आरती होती है और मैया के अष्टांग सेवा होती है, मतलब आठों आयाम की सेवा मैया की होती है। इसलिए इस दोनों नवरात्रि वासांतिक और चैत्रिक नवरात्रि में जो अष्टमी को संधि आरती होती है, ब्रजमंडल में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अन्य दूर दराज से भी बहुत सारे भक्त आते हैं और हमारे पूज्य महाराज जी के समय से, गुरु परंपरा से ही ये क्रम हमारे मंदिर का चलता आ रहा है। आज भी हम सब लोग मिलजुल कर गए, हमारे ट्रस्टी, हमारे मंदिर परिसर के समस्त लोग और समस्त भक्तगणों के सहयोग से उस कार्य को आगे, सेवा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कितने बजे हुई संधि आरती? आज 10:35 का समय था, उसी समय पर मैया की आरती हुई। आज यहाँ जो सिद्ध पीठ है कात्यायनी माता का मंदिर, वहाँ हम लोगों को विशेष आरती का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत ही आनंद है हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत ही दर्शनार्थी बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर माता के दर्शन पाने के लिए और इस विशेष आरती के दर्शन पाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बस यही है कि माता रानी सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें आधा दर्जन से अधिक झांकियां और बैंड बाजे शामिल रहे।
शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और आरती उतार कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व विधायक हरिओम यादव यात्रा में शामिल रहे और शोभा यात्रा में पैदल नगर भ्रमण किया। मानस सेवा समिति के तत्वधान में भगवान राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पंजाबी कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई, जो एटा तिरहा, कटरा बाजार, पक्का तालाब, तहसील तिरहा, नारायण तिरहा होते हुए मेला वाल बाग स्थित मानस भवन पर स्थित भगवान श्री राम के मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प वर्ष कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान पूरा नगर राम के जयकारों से गूंजमान हो उठा। सबसे पहले तो सभी सनातनियों को, सभी राम भक्तों को, सभी देवी भक्तों को सागर जय श्री राम, सदन जय माता दी। आज नगर शोभाबाद में बड़ा दिव्य और भक्त तरीके से श्री मानव सेवा समिति द्वारा तथा अन्य भक्तों द्वारा, नगर कार्यकारिणी भाजपा द्वारा एक दिव्य भव्य मंगलमयी भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा पंजाबी कॉलोनी से प्रारंभ होकर और नगर के विभिन्न स्थानों में एटा तिराहा, नारायण होटल तिराहा, इष्टेश्वर रोड होते हुए श्री मानस भवन मेला वाले बाग पर संपन्न होगी। इस यात्रा में हजारों भक्त सम्मिलित हो रहे हैं और जय श्री घोष के नारे कर रहे हैं। हमारे प्रभु आदर्श प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े भव्य और दिव्य तरीके से सभी नगरवासी मना रहे हैं। सभी को एक बार पुनः रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। जनपद मथुरा शहर कोतवाली में महिलाओं पर झूठे मुकदमे लिखे जाने से नाराज महिलाओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। बताते चले कि दो दिन पूर्व मनसापुरी कॉलोनी में पानी लीकेज की समस्या से ग्रस्त महिलाओं ने जल निगम के अधिशासी अभियंता का घेराव किया था, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था कि महिलाओं द्वारा अधिशासी अभियंता पर सिहाई फेंकने का आरोप लगाया, जिससे नाराज अधिशासी अभियंता कोतवाली में दर्जनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा लिखा था। जब महिलाओं को मुकदमा लिखने की जानकारी हुई तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एसएसपी ऑफिस पहुंची और बताया कि हम लोगों ने केवल पानी की समस्या के लिए अधिशासी अभियंता से शिकायत की थी। अधिशासी अभियंता ने हम लोगों के खिलाफ मुकदमा झूठा दर्ज कराया है, इसकी जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी, नहीं तो आंदोलन करेंगे। यह लगभग 28 तारीख की घटना है ये, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पानी की बड़ी किल्लत पिछले दिनों गंगा जल की रही क्षेत्र में, और वार्ड नंबर 45 की बहने जब वहाँ पहुंची और वहाँ अधिशासी अभियंता जो वहाँ पे बैठे हुए थे सुजीत कुमार जी, उनसे बात करी, उन्हें बात करने से पहले ही हमारी बहनों और हमारी माताओं के साथ धक्का मुक्की, अभद्र गाली गलौज, उनके साथ मारपीट, यहाँ तक कि आप माताओं को देखेंगे उनके नील भी पड़े हुए हैं शरीर पे। मतलब इस तरह की स्थिति ऐसे अभियंता को करने, ये हमें बिठाए गए हैं कि जनता की सेवा के लिए, कि ये बिठाए गए हैं कि जनता से अभद्रता करने के लिए, और वो भी माताओं बहनों के साथ नवरात्रि के समय में इस तरह की अभद्रता करने की हिम्मत अगर उन्होंने की है तो उसकी सजा उनको पुरजोर तरीके से मिलनी चाहिए। क्या मांगे हैं आपकी? पूरी मांग ये है कि एफआईआर सुजीत कुमार के खिलाफ की जाए, घटना की पूरी जांच हो, और जांच होने के बाद जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है न्याय संगत कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। आरोप है आपने स्याही फेंकी है उनके ऊपर जी, पहले आरोप तो वो कुछ भी लगा सकते हैं, आरोप का क्या है? महिलाएं पानी लेने जाने मांगने जा रही हैं, स्याही लेके जाएंगी, मतलब, और स्याही वो भी ये गरीब महिलाएं, इनके घरों में किसके यहाँ स्याही मिलती है? स्याही उनके घर उनके ऑफिस में थी जो अधिकारी लोगों पे होती है स्याही, फिर और खुद स्याही डाल के बहनों को 150 महिलाओं के खिलाफ आप FIR करेंगे, ये तो मैं तो ये मानती हूँ कि ये तो उन्होंने अपराध कर लिया, अन्याय कराया, और इस अन्याय का तो उनको सजा मिलेगी जरूर। कौन से क्षेत्र में पानी की किल्लत है? सभी क्षेत्र में, गंगा जल जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में था वहाँ पानी की समस्या पिछले दिनों में आई। अगर बहने पानी मांगने गई हैं और आप उनके खिलाफ FIR करेंगे तो ये चीज तो जो अभियंता है उनकी नहीं सही जाएगी। नौदुर्गा चल रही थे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रचार प्रसार को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए गांव में निकाली प्रवेश उत्सव रैली। तहसील कार्यालय के SDM CEO ने बांटी किताबें। आपको बता दें, फिरोजाबाद जिले के तहसील कार्यालय में आज सरकार के महत्वाकांक्षी योजना प्राथमिक विद्यालय के प्रति सोच बदलने को जन जागरण प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूल चलो अभियान के तहत किया गया पुस्तक वितरण। SDM विवेक मिश्रा ने बांटी किताबें। गाँव मोहनपुर में प्रवेश उत्सव के तहत स्कूली बच्चों अध्यापकों ने निकाली स्कूल चलो रैली। गांव के ग्रामीणों को जन जागरूकता रैली में छात्र छात्राओं के साथ अध्यापक गांव में घूमकर
किया शिक्षा का प्रचार। बच्चों किताब वितरण के क्या कार्यक्रम है? स्कूल चलो अभियान जो शुरू हुआ है नए सत्र का, इसके लिए बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर पुस्तक वितरण किया गया है और सभी जगह ये कार्य प्रारंभ हो गया है। बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि सब 100% इसमें एनरोलमेंट विद्यालयों में करके और अपनी पढ़ाई प्रारंभ करें। ऐसे हमारा विद्यालय में नवीन प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है और स्कूल चलो अभियान की आज से प्रारंभ किया जा रहा है ये प्रोग्राम, और गांव में भ्रमण करके जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने नहीं आते हैं, जो अभिभावक हमारे अशिक्षित हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, कम जानकारी है, वो बच्चों को नाम का प्रवेश करने के लिए परीक्षा एडमिशन करने के लिए यहाँ बच्चों से संपर्क किया जा रहा है और गांव में घूम घूम करके बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, अभिभावकों को जागरूक करें जिससे बच्चे हमारे विद्यालय में नवीन प्रवेश अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश लें और शिक्षा का उत्सव मनाएं। घर घर विद्या दीप जलाओ। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।